ग्वालियर पहुंचे गृहमंत्री ने दिग्विजय सिंह पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जाकिर नाइक को शांति दूत बताने वाले आरएसएस को कैसे समझ सकते हैं। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आरएसएस को दिग्विजय सिंह के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, दिग्विजय सिंह को देश जानता है। वहीं नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस एक डूबता जहाज है। वो जाकिर नाइक को जो व्यक्ति शांति दूत बताते हो उनसे और क्या उम्मीद कर सकते हैं। दोनों लोग पदयात्रा पे हैं, एक अमेठी से हारे थे, एक भोपाल से हारे थे। वो दोनों लोग हैं जो एक बार भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह बोलने वालों से सबसे पहले जेएनयू में मिलने गए थे, और दूसरे दिग्विजय सिंह हैं जो जाकिर नाइक को शांति बोध बताते हैं, ओबामा को जी लगाते हैं। ये क्या समझेंगे संघ को राजस्थान में सचिन? और इनके प्रमाण पत्र की संघ को जरूरत भी नहीं है, इसके प्रमाण पत्र से चलेंगे नहीं। देश समझता है दिग्विजय सिंह जी। कांग्रेस अब एक डूबता जहाज है, जैसे जैसे पदयात्रा आगे आती जाएगी, अभी गोवा में डूबी है, उसके पहले गुलाम नबी आज़ाद निकले थे, उसके पहले कपिल सिब्बल निकले थे, आनंद शर्मा ने इस्तीफा दिया था, मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक चले गए, राजस्थान का हश्र इस हफ्ते में आप देखेंगे, अद्भुत होगा। इस दिल के टुकड़े हजार होंगे, कोई यहाँ गिरेगा कोई वहाँ गिरेगा।